हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नकवी डॉक्टर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अजहर नाहिद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से है। आज की इस वीडियो में हम कॉलेज के एडमिशन के हवाले से बात करेंगे और कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर 2024 एंड 25 के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके सामने अजहर नाहिद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, जिसमें अजहर नाहिद मेडिकल कॉलेज की जो ट्यूशन फ़ी है वो तकरीबन 20 लाख है और एडमिशन फ़ी 40,000 है। तो अपने देनी है वो है यूनिवर्सिटी फ़ी जो कि 3,50,000 है। तो आप 20 लाख और 40,000 में ये प्लस कर लें, 3,50,000 तो कितनी हो गई, 23,90,000, तकरीबन 24 लाख के आसपास ये बन रहा है। क्योंकि इसके अलावा भी चार्जेज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपने फर्स्ट ईयर में देने हैं जस्ट। तो फर्स्ट ईयर में 23,90,000 ये चार्जेस हैं और बाद में कुछ आपने एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट सेकंड ईयर में जो आपने देने हैं वो है तकरीबन हम कह सकते हैं 21,60,000 आपने ये कॉलेज की फ़ी देनी है और साथ 3,76,000 आपने और यूनिवर्सिटी फ़ी देनी है। देन आप थर्ड ईयर में 23,11,000 देंगे फ़ी, देन 44,000 फॉर एग्जाम्पल, 4,04,000 जो है वो आप देंगे यूनिवर्सिटी की फ़ी, और टोटल कितनी होगी, 27 लाख हो गई। और थर्ड ईयर की लाइक फ़ी और जो सेकंड ईयर की फ़ी टोटल हो गई तकरीबन हम कह सकते हैं ये 25 लाख से प्लस हो रही है। और फोर्थ ईयर में आपने देनी है 24,84,000, साथ आपने 4,64,000 और भी देना है। तो 25 और ये 4 यानी 29 लाख आपने जो है फोर्थ ईयर में देना है, जबकि फाइनल ईयर में आपने देना है 26,70,000, साथ आपने 4 लाख और तकरीबन 70,000 और देना है। तो ये तकरीबन हो गया 27,40,000 और साथ आप यानी 30,40,000, यानी तकरीबन हम कह सकते हैं 31 लाख आपने फाइनल ईयर में टोटल फ़ी देनी है। और टोटल जो फ़ी बन रही है वो आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन 1 करोड़ और आई थिंक जो है 16,56,000 ये बन रही है ओनली कॉलेज फ़ी, और साथ आपने 20 लाख और भी देना है। तो हम कह सकते हैं 1 करोड़ और 36 लाख, ठीक है, ये आपने देना। बाकी हॉस्टल चार्जेस हैं तो तकरीबन 1.5 करोड़ आपने पैसे लगाने हैं और फिर आपको एमबीबीएस की जो है डिग्री वो मिल जाएगी। और कुछ नीचे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फ़ी है। तो मिसलिनियस चार्जेस जो आपने एक्स्ट्रा देने हैं, जो अभी आपको मैंने फर्स्ट ईयर में काउंट करके दिए हैं, 23,90,000 आपने देना है कॉलेज फ़ी एंड यूनिवर्सिटी फ़ी, क्योंकि ये स्पीडियड यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है तो उनके चार्जेस अलग से हैं। तो अभी जो मिसलिनियस चार्जेस हैं वो भी आपने देने के, जैसे कि पीएमडीसी की आपने फ़ी देनी है वन टाइम जो कि 10,000 है, और यूनिवर्सिटी की फ़ी आपने वन टाइम देनी है 10,000, और फिज़िकल मेडिकल फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की फ़ी आपने 15,000 देनी है, और एग्जामिनेशन फ़ी जो है पर अटैम्प्ट के अकॉर्डिंग है वो आपने 20,000 ये एक्स्ट्रा हर साल देनी है, 20,000 ये भी देनी है फर्स्ट ईयर में। तो ये अगर 20, 20, 40 एंड 55 ये है तो 24,40,000 ये आपने फर्स्ट ईयर में फ़ी देनी है अजहर नाहिद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। और बीडीएस की जो फ़ी है वो भी हम डाउनलोड करके अपने ग्रुप में शेयर कर लेंगे, क्योंकि वो अलग से डाउनलोड करनी थी और वो हम कर देंगे। और इसके बाद कुछ हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, जैसे कि हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी जो है ना 30,000 ये भी आपसे ली जाएगी, ये मैं बताना भूल गया था, ये भी आपसे ली जाएगी अगर आप इनके हॉस्टल में रहेंगे। और हॉस्टल ड्यूज़ पर मंथ जो है वो 15,000 है, ये इतने ज़्यादा नहीं है। मेस ड्यूज़ जो हैं वो 7,500 हैं, ये भी ज़्यादा नहीं है। मेस चार्जेस इनके और हॉस्टल चार्जेस इनके कम हैं, ज़्यादा नहीं है। और ट्रांसपोर्ट ड्यूस वो भी 7,500 हैं, और बाकी इंश्योरेंस के पैसे भी आपसे वो अलग से लिए जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ी बनने वाली है अजहर नाहिद मेडिकल कॉलेज में। अगर हम इस कॉलेज में एडमिशन्स के हवाले से बात करें तो पिछले साल जब पीएमडीसी ने यूएचएस के तहत एडमिशन किए थे तो उन्होंने कहा था कि तमाम एडमिशन पंजाब के अंदर, चाहे वो कॉलेजेस यूएचएस के साथ एफिलेटेड हैं या नहीं हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट हम एक रेगुलेटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग, लाइक हम एक अथॉरिटी दे रहे हैं, एडमिशन ये कराएंगे ताकि कोई डोनेशन वगैरह कुछ भी ना हो, एडमिशन यूएचएस करा देगी, उसके बाद हर कॉलेज अपने वे से पढ़ाएगा। जो यूएचएस के साथ एफिलेटेड नहीं है वो अपनी स्टडी खुद कराएंगे, अपने एग्जाम खुद लेंगे। जो यूएचएस के साथ एफिलेटेड हैं वो यूएचएस के थ्रू लाइक उनके एग्ज़ाम होने हैं। तो इसीलिए फिर ये पीएमडीसी ने कहा था कि अजहर नाहिद भी जो है वो यूएचएस के तहत एडमिशन कराएगा, तो बट काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बने कि अजहर नाहिद का नाम भी लिस्ट में उन्होंने डाल दिया, एडमिशन भी हो गया, और यूएचएस जब पोर्टल ओपन हुआ तो उसमें अजहर नाहिद का नाम भी था, स्टूडेंट्स ने अजहर नाहिद को प्रेफर भी किया और स्टूडेंट्स के नाम अजहर नाहिद में आ भी गए,
और उन्होंने फीसें भी करवा दी, स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे। फिर उनको मैंने गाइड किया, स्टूडेंट जा रहे हैं उधर से, अजहर नईद खुद से फीसें ले रहा है, अपने स्टूडेंट्स खुद से बुला रहा है, इधर से स्टूडेंट जा रहे हैं यूएचएस की तरफ से, वो अजहर नईद जाते हैं वो कहते हैं हमने फीस नहीं लेनी। फिर वो स्टूडेंट्स जाते थे पीएमडीसी यूएचएस जाते थे, वो कहते थे हमें फीस दे दें। बहुत ही मुश्किल के तहत जो है फिर करते करते के फिर अजहर नईद मेरे ख्याल केस किया हुआ था, फिर वो केस जीत गए। खैर करते करते फिर पीएमडीसी ने और यूएचएस ने एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ जो लिस्टें हैं उस पर उन्होंने स्टूडेंट्स को फिर और कॉलेजेस में जो सर्कुलेट किया, बाकी कॉलेजेस में जो अजहर नईद के स्टूडेंट्स थे उनको बाकी कॉलेजेस में सर्कुलेट कर दिया। तो अब इस साल देखते हैं कि जो यूएचएस जब पोर्टल ओपन करेगी तो उसमें अजहर नईद का नाम है या नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं, और अजहर नईद खुद से एडमिशन फिर अगेन करेगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये कॉलेज इसमें एडमिशन ओपन है, और ये वैसे भी थोड़ा ऑन कॉल फिजिकली स्टूडेंट्स को डील करते हैं। तो आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट करें, इनका नंबर मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका नंबर है, ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, और इनकी लोकेशन भी आ रही है जो कि स्पीरियर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो है 17 किलोमीटर मेन रायमंड रोड लाहौर पंजाब, ये नंबर है, ये इनकी लोकेशन है। नीचे जो है एडमिशन्स एट द रेट स्पीरियर डॉट ई डी यू डॉट पी के, ये इनकी जीमेल है, आप इसमें मेल भी कर सकते हैं, इनसे कॉन्टेक्ट करें, और फिर आप फिज़िकली भी ये कॉलेज जा सकते हैं और कॉल करके इनसे पूछ लें कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो ये आप लोगों को सारा जो है वो गाइड कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें इसी तरह की बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हम शेयर करते हैं, आप पर्सनली हमसे ग्रुप में मेरा नंबर ऐड है, पर्सनली आप मुझे वहाँ मैसेज करेंगे, अलग से डीएम करेंगे कि सर ये मसला आ रहा है अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। तो इसलिए पर्सनल कंसल्टेंसी के समझ लें, और ग्रुप में हम सारी इन्फॉर्मेशन पर वक्त लिस्टें हर चीज़ फीस स्ट्रक्चर जो भी इन्फॉर्मेशन पर वक्त शेयर करेंगे। तो 500 इसके वंस पेड हैं, आप लोग एक ही दफ़ा देंगे, तो इंस्टा पे जाएँ हसन रजा नकवी .512 मेरा इंस्टा, हमें फॉलो करें और कहेंगे सर आपका जो ग्रुप है वो हम ज्वाइन करना चाहते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।